दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सर्जरी करके कैसे निकाली जाती है किडनी स्टोन? दोस्तों किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में अगर इसमें कोई हल्की सी भी दिक्कत हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया तब तो समझ लीजिए उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे किडनी फेलियर का खतरा हो जाता है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए किडनी स्टोन को जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत जरूरी होता है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल करके किडनी स्टोन को निकाला जाता है, क्योंकि अगर किडनी स्टोन शरीर के किसी और हिस्से में हो तो उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। लेकिन किडनी जैसे नाजुक अंग में ऑपरेशन किस तरह काम करता है और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आज की इस वीडियो में मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो छोटे स्टोन होते हैं जो ज्यादा खतरनाक नहीं होते उनका इलाज तो मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए होता है, यानी दवाइयों के जरिए स्टोन को गलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर किडनी स्टोन बड़ा है तो उसे ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जहाँ सर्जरी करके स्टोन को बाहर निकाला जाता है। और इस कंडीशन में डॉक्टर क्या क्या करते हैं ये जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो उस समय किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी की मदद से किया जाता था, यानी कि बॉडी में बड़े बड़े कट या चीरे लगाने पड़ते थे। उस प्रोसेस में शरीर का काफी खून बहता था, दर्द ज्यादा होता था और मरीज को अस्पताल में ज्यादा दिन रुकना पड़ता था। यानी किडनी स्टोन को सही करने के लिए पहले मरीज को कई सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता था और ये बहुत ही लंबा चौड़ा और दर्दनाक प्रोसेस होता था। पर दोस्तों अब चीजें बदल गई है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और ऐसी कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से किडनी स्टोन को कम दर्दनाक तरीके से ठीक किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद से बिना चीरे और कट लगाए स्टोन को ठीक किया जा सकता है। इस चीज के बारे में खुद डॉक्टर्स बताते हैं, अगर किसी की किडनी में स्टोन छूटा है तो जो लेटेस्ट प्रोसेस है उसमें एक टेलीस्कोप होता है जिसको पेशाब के रास्ते से बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो पेशाब की पाइप होती है जिसे यूरिटॉल कहा जाता है। इसी में से टेलीस्कोप गुजरते हुए किडनी तक पहुंचाया जाता है, और जब वो टेलीस्कोप किडनी तक पेशाब के रास्ते पहुंच जाता है तो उसका पूरा फोकस स्टोन पर होता है, जहां लेजर के जरिए वो स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में महीन तोड़ देता है। अब ऐसे में दोस्तों अगर स्टोन का साइज बड़ा है या फिर यही छोटा स्टोन किसी जगह बुरी तरह फंस गया तो फिर यहाँ पर डॉक्टर की होल सर्जरी का सहारा लेते हैं, जिसमें से 1 सेंटीमीटर से भी कम का छोटा छेद किया जाता है और ये छेद बैक में बनाना पड़ता है जिसे टेलीस्कोप डायरेक्टली किडनी तक पहुंच सके। जब टेलीस्कोप स्टोन तक पहुंच जाता है तो उसे लेजर की सहायता से तोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो छेद होता है उसके जरिए किडनी के किसी भी रास्ते तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में अगर कहीं पर स्टोन अटका भी होगा तो भी उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और अगर स्टोन बड़ा होगा तब भी उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह की सर्जरी को मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, जहां इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके जरिए मरीज को दर्द बहुत कम होता है, मरीज को हॉस्पिटल में कम समय रुकना पड़ता है और उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, और जो छेद होता है वो भी बहुत छोटा होता है इसलिए उसके घाव को भरने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसमें खून कम बहता है और मरीज को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती, और इसके सफल होने के रेट भी बहुत ज्यादा है। यानी पहले के समय में जो किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए सर्जरी अपनाई जाती थी उसके मुकाबले ये सर्जरी ज्यादा सफल होती है। इस तरह की सर्जरी के जरिए किडनी के स्टोन या फिर यूरेटर के स्टोन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे यूरेटर स्टोन क्या है, तो दोस्तों जो किडनी की ट्यूब होती है वहां पर अगर स्टोन बन जाता है तो उसे पेशाब के रास्ते टेलीस्कोप डालकर ठीक किया जा सकता है, और उसमें किसी भी प्रकार के कट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कहीं पर स्टोन फंसा हुआ है तो एक सिंगल से छेद के जरिए उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। यानी ऑल टोटल कहा जाए तो किडनी स्टोन की बीमारी आज के समय में ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
वरना पहले के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, कैसे उसमें बड़ा सा चीर फाड़ करके ऑपरेशन के जरिए किडनी स्टोन निकाला जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता था और मरीज को काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीजें आसान हो गई है, और सिर्फ किडनी स्टोन को ठीक करना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत से प्रोसीजर है जिन्हें आज टेलीस्कोप और लेजर की मदद से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि किडनी स्टोन कोई छोटी बीमारी है। अगर ये किसी को हो गई और उसने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया तो किडनी फेलियर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और तब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको किडनी स्टोन की सर्जरी का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप इन बीमारियों के चक्कर में ना पड़े और खुद को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखें, क्योंकि भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह की बीमारियों को ठीक करने में दर्द कम होता है, लेकिन दर्द होता तो जरूर है, और ऊपर से महंगी दवाइयां और महंगा ऑपरेशन का खर्च इंसान की जान अलग से ले लेता है। इन सारी चीजों से अगर बचना है तो खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है कमेंट में फटाफट लिख भेजिए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।